मध्य प्रदेश का व्यापम भर्ती घोटाला, पहले भर्ती घोटाला था, इम्तिहान में भर्ती का घोटाला, ये करोड़ों का घोटाला अब धीरे धीरे एक मर्डर मिस्ट्री में, मौत के रहस्य के रूप में बदलता जा रहा है, क्योंकि एक एक करके 40 से ज्यादा आरोपियों की या ऐसे लोग जो कि व्यापम के घोटाले से जुड़े हुए थे, उनकी मौत हो चुकी है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर जी हैं। सर, एक एक करके 40 से ज्यादा मौतें, इससे व्यापम का कोई संबंध नहीं। जो कह जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो होना है, और जेल के अंदर जितने भी हमारे व्यापम के आवार आती हैं, क्योंकि अभी सजा तो किसी को हुई नहीं, सबके कोर्ट में चालान भी पेश हो गए, किसी के नहीं हुए, तो उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, पूरी इलाज की व्यवस्था है। अगर जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर से या वहाँ के जो मेडिकल डॉक्टर हैं जेल में, उनको रेफर करते हैं बड़े अस्पताल में। विपक्ष कहता है सर कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, अब तो और मतलब जरूरी हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया कि आवश्यकता ही नहीं, मांगे थे लोग, हाई कोर्ट ने कहा कि जो जांच हो रही है ठीक हो रही है। सर, एक चीज है, राज्यपाल खुद आरोपी बने पहले तो, उसके बाद उनकी भले ही एफआईआर क्वेश हो गई, उनका बेटा आरोपी बना और उस बेटे ने शैलेश यादव ने, मतलब उसकी मौत की वजह भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर उसने कैसे उसकी मौत हुई। नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कि किसकी मौत किस कारण, हम तो यही समझते हैं बीमारी कारण मौत होती है। लेकिन सर, व्यापम का आरोपी ही क्यों बीमार हो? सभी बीमार होते हैं, चाहे व्यापम का हो या ऑर्डिनरी आदमी हो। अच्छा बेस आदमी चलता है और मृत्यु हो जाती है, चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है, तो इसका कोई संबंध व्यापम से नहीं जोड़ सकते। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो कड़ी तोड़ने की कोशिश हो रही है कि इन लोगों की जो मौत हो रही है इनके पीछे, कि कहीं कोई गिरोह काम कर रहा हो, कोई कड़ी तोड़ने की कोशिश हो रही है? ये केवल एक शंका कुशंका है, इसका कोई अंत नहीं है। धन्यवाद।